बिहार का मैनचेस्टर मानपुर पटवा टोली में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। आए दिन यहां छोटे छोटे अपराध से लेकर लूट, मर्डर, रंगदारी जैसे लगातार घटना घट रही है। फ्रेंड्स, अभी जगह हम लोग हैं मानपुर पटवा टोली में, ये बुनियादगंज थाना में आता है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि गए बुनियादगंज थाना जो है बिल्कुल सोई हुई है। 50 मोबाइल से ज़्यादा अब तक यहाँ इस क्षेत्र में छिना चुका है। मोबाइल क्या है एसएसपी महोदया, मैं आपको डिटेल्स में बताता हूँ। कितना महत्वपूर्ण वस्तु हमारे जीवन के लिए बन चुका है। आज के डेट में बच्चे जो 9वां 10वां में पढ़ते हैं, कोरोना काल में ऑनलाइन जो है एंड्रॉयड मोबाइल चला रहे हैं, और यहाँ के अपराधी इसको व्यापार बना लिए हैं। और इस व्यापार को बनने में कहीं ना कहीं बुनियादगंज थाना या तो सुस्त है या चुप है। और क्यों चुप है एसएसपी महोदया, ये हम लोग भी नहीं जानते हैं। लेकिन जो परिस्थितियां खड़ी हैं, आज देखिए, एक रिपोर्टर है, मीडिया का आदमी है, पिस्तौल के बट से इसको मारा। आप समझ लीजिए कि ऐसी घनी आबादी में जब इसकी इतनी हिम्मत है तो और जगहों पर क्या होता होगा। तो ये परिस्थितियां जो सामने खड़ी है समाज के लिए, इस पर तो भयावह निर्णय लेना होगा। और समाज के साथ अगर ये नहीं हुआ कल तक, कोई अगर प्रतिदिन अगर आप पता कीजिए इस मोहल्ले में घूम करके, तो प्रतिदिन 2, 4, 5, 6 ऐसे ही छिना रहा है। मतलब व्यापार सीरियल, एकदम सीरियल रूप से किया जा रहा है और व्यापार इसको बना दिया गया, धंधा हो गया है ये, समझे। जबकि कितना आसान है, अगर एक मोबाइल एंड्रॉयड मोबाइल का ईएमआई से अगर जानकारी अगर प्रशासन चाहेगी ना, तो मोबाइल अगर अमेरिका में भी होगा तो पकड़ा जाएगा। अगर प्रशासन चाहेगी ईएमआई से कितना आसान है, यानी कि प्रशासन नहीं चाह रही है। हम तो ये मानते हैं कि प्रशासन अगर एक खिलौना नहीं बच्चे का कोई चुरा सकता, अगर प्रशासन चाहेगी तो एक बच्चे का खिलौना नहीं चुरा सकता। एसएसपी महोदया से मेरा विशेष आग्रह है कि इस केस को देखा जाए, और अगर नहीं होगा तो हम लोग यहाँ व्यापारी संगठन सभी लोग परसों से काला बिल्ला लगाएंगे, और जरूरत पड़ा तो धरना पर भी बैठेंगे, आंदोलन होगा इस मुद्दे पर। क्योंकि हमारा मोबाइल संपत्ति सारा चीज़ है और जान की बात भी है। पिस्तौल के बट से मारना कितना आसान हो गया है, लोग पिस्तौल लेके घूम रहे हैं, ओपन घूम रहे हैं शहर में। ये रात या दिन की घटना है? ये रात की घटना है। लोग घर जब लौटते हैं, स्थानीय घर लौटेंगे ही ना भाई, स्थानीय थाना में एफआईआर करवाएंगे। हाँ, एफआईआर हुआ है। क्या बोले, 7 दिन हो गए हैं अभी तक। शनिवार को रात 9:30 बजे है यह घटना हुई है शिव मंदिर के पास। हाँ, हम अमिल के नाम। क्या घटना घटी आपके बेटे के साथ? वो पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते बाहर गया है, और बाहर गया तुरंत गया, खाली हाथ में जेब में रख ले है, और जेब में मेरा पिस्तौल भिड़ा के उसको मोबाइल छीन लिया, और छीन करके अमारी से मार के इसको भगा दिया है। कब की घटना है, कितने बजे का? 9:20 है रात में। रात में? हाँ। इसमें आप प्रशासन कहीं कुछ इन्फॉर्मेशन? प्रशासन आया, कुछ नहीं उसको पता लगा। क्या बोले, मोबाइल नहीं मिला? नहीं नहीं मिला। एफआईआर किए थे? हाँ, सब कुछ हुआ। ये राजू है ना, वो हम तो दोनों को किए हैं हम लोग। प्रशासन क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि आप लोग जैसे तैसे रहते हैं तो छिनाल का नहीं। तो मैंने हम ही आप ही दोषी हैं? हाँ, हम ही दोषी। प्रशासन ही कहते हैं कि आप ही दोषी हैं? हाँ, हम ही दोषी हैं। अच्छा अच्छा, से बोले तो प्रशासन भी क्या करेगा? क्या करेगा, तो फिर चला गया वो, हम नहीं जानते हैं फिर कल बात। तो मैंने मोबाइल हम लोग नहीं रखे, प्रशासन का ही कहना है। हाँ, मैंने छिना गया तो हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करें? हाँ। छिना गया तो छिना गया। हाँ। वाह, अपना नाम बता दो। अपना नाम बता दो। रेनू देव। कहाँ रहते हैं? यही पटवा टोली में। आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें।